पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से बेटी संग जबलपुर घूमने आई एक महिला के साथ जबलपुर मदन महल किले पर लूट की कोशिश की गई। चाकू की नोक पर दो बदमाशों ने पर्स छीनने का प्रयास किया, लेकिन मां बेटी के शोर मचाने पर उन्हें भागना पड़ा। पर इस घटना से मां बेटी इतनी डर गई कि मदन महल का किला बिना देखे ही लौट गई और दार्जिलिंग पहुंचकर महिला ने एसपी कलेक्टर को ईमेल भेजकर मामले की शिकायत की है। वहीं मामले में सीएसपी गड़ा तुसार सिंह ने बताया कि दार्जिलिंग से आए पर्यटक जब मदन महल किला 12 अप्रैल को घूम रहे थे, तभी कुछ युवकों द्वारा उनके साथ लूट का प्रयास किया गया, जिसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग पहुंचकर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को एक ईमेल भेजा और पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मामले में दिशा निर्देश दिए हैं और मदन महल किले के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। वहीं मदन महल के आसपास घूमने वाले असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए भी कहा गया है, साथ ही मदन महल किले के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही है। पहाड़ी स्थित जो मदन महल फोर्ट है, वहाँ पे विगत दिन टूरिस्ट कुछ घूमने आए थे, जिनके द्वारा एक ईमेल के माध्यम से एसपी सर को शिकायत दी गई कि जब वो 12 तारीख को यहाँ घूमने आए थे तो उनके साथ वहाँ पे कोई स्थानीय कोई अनजान व्यक्ति द्वारा उनको चाकू दिखाकर उनको धमकाने की कोशिश की गई कि आप अपने पैसे और फ़ोन दे दें, जिस पर उनके द्वारा आवाज़ लगाई गई तो जो स्थानीय वहाँ पे और भी टूरिस्ट थे और स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ जैसे ही पहुँचे तो वो वहाँ तत्काल मौके से भाग गए, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसपी सर ने त्वरित आदेश दिए हैं कि मदन महल पहाड़ी के आसपास जो भी अनजान व्यक्ति और इस टाइप के जो नवयुवक घूमते रहते हैं उनकी सघन चेकिंग करवाई जाए। और वहाँ पे अब कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि वहाँ पे जो स्थानीय दुकान है नीचे वहाँ पे कैमरे भी इंस्टॉल हो जाएं ताकि आने जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको भी सुरक्षित महसूस हो और अगर ऐसी कोई घटना कारित होती है तो उसका फुटेज और चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएं।